अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जो रोड आपको दिखा रहे थे बहुत तेजी से ये भाई बाइक के ऊपर रेडी चला रहे थे, और इनको देख के मैं पीछे पीछे इनके वीडियो बना रहा था। आपने अभी देखा कि ये हैरत वाली बात है कि ये बाइक पे किस तरीके से अपनी रेडी को कंट्रोल करके और बड़ी तेजी से दौड़ा रहे होते हैं। इनसे भाई से आज भाई को पकड़ लिया है हमने ना, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनमें इतनी हिम्मत, आगे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां, शारा फैसल पे तेजी से इनको दौड़ता हुआ भगाता हुआ रेडी को देखा तो हैरत हुई। इनसे बात करते हैं, भाई कहाँ के हैं, सारी इनके बारे में मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरा ख्याल ये आप कुछ ले लिया, आपने ले लिया? अच्छा ले लिया। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए सब। अल्लाह पाक का करम है। भाई क्या नाम है आपका? उजैर, मैं आता हूँ गुलशन मेमार से। अच्छा, ये मैंने आप बाइक के ऊपर अभी तो नहीं लगी हुई रेडी, आपको बाइक के ऊपर लगा के और बहुत तेजी से भगाते हुए देखा था, ये क्या मामला है? ये हम आते हैं दूर से, फिर पैदल चला नहीं जाता है। कितने कितने किलोमीटर दूर चलाते हैं आप? तकरीबन 20-25 किलोमीटर इतना दूर सफर करना पड़ता है। तो वो बाइक पे मैंने जब देखा तो मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि तकरीबन मैंने आपको डिग रोड से और बलोच कॉलोनी तक बाइक पे बड़ी तेजी से भगाती हुई मैंने वीडियो आपकी बनाई। जी, हम आते हैं गुलशन मेमार इस्लामाबाद से, कभी दूर भी जाना पड़ता है, सदर भी जाते हैं, टावर भी जाते हैं, तो इतने दूर दूर जाना पड़ता है रोजी के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह, इनकी हिम्मत है, इनकी उम्र भी इतनी नहीं लग रही है और काम भी इस तरह का है, और इन्होंने प्रोटेक्ट इसको किया हुआ होता है, बहुत ही हिफाजत इसकी की हुई होती है, और ये तकरीबन 60 की स्पीड में 50 की स्पीड से ज़्यादा ये भगा रहे होते हैं, तो बड़ी मुझे हैरत हुई थी। तो आज ये इनका सोचा इनसे बात की जाए, ये वैसे चीज़ें क्या हैं, ये किसको क्या कहते हैं? ये है पतीसा, ये लच्छे वाली मिठाई है, ये अक्सर जानते हैं, ये मिठाई की दुकान पर भी मिलती है। वो सेब का मुरब्बा है, वो पेठे की मिठाई है। ये क्या चीज़ है? ये सेब का मुरब्बा। और वो क्या चीज़ है? कद्दू पेठे की, बड़ा कद्दू पेठा होता है, सब्जी में भी पकाते हैं वो। अच्छा, ये चीज़ें आप खुद बनाते हैं या लेकर आते हैं? ये दोनों खुद बनाते हैं, वो लाहौर से आता है। कब से कर रहे हैं ये काम? ये तकरीबन 2 साल मुझे हुए हैं, पहले वालिद साहब करते थे। वालिद साहब अभी भी करते हैं या? अभी इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आप कब से कर रहे हैं? मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए। तो ये आपने किसी से सीखा है या? ये वालिद साहब से ही सीखा था, उनका ही हुनर है, अभी हम कर रहे हैं। वालिद साहब खुद बनाते थे या लेकर आते थे? वालिद साहब खुद बनाते थे। तो अभी ये खुद बना रहे हैं? जी खुद बनाता हूँ। अच्छा, ये जबरदस्त ये मिठाइयाँ इससे, ये वालिद साहब ने सिर्फ आपको सिखाया है? और भी भाई काम करते हैं, हम तकरीबन माशाल्लाह 9 भाई हैं, तो वो भी करते हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने सीखा है वालिद साहब से। तकरीबन इनसे, इस काम से 40-50 बंदों की रोजी है, तकरीबन 40-50 बंदे काम करते हैं। ये दिन भर में कितना काम कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? सही है, अल्लाह का शुक्र है, घर का रोजगार चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये इसके अलावा भी कुछ करते हैं या पूरा दिन यही लगाते हैं? यही लगाते हैं, पहले पढ़ते थे, अभी भी सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप पढ़ भी रहे हैं? यार जबरदस्त, सेकंड ईयर में हूँ और हिस्ट्री किया हुआ है। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हमारे हाफिज साहब हैं ये, अल्लाह ताला हमें भी नेक बना दे, अल्लाह पाक हमें माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। ये हाफिज साहब हैं और अपने हाथ से काम कर रहे हैं, और इतना सख्त काम कि मैं इनके काम पे फिदा हो गया हूँ, ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ। आप सोच रहे होंगे यार ये तो रोड पे आम सी चीज, ये चीज आम है, मगर ये जिस तरीके से मेहनत करके काम कर रहे हैं ना, माशाल्लाह। पढ़े लिखे हैं आप, कोई जॉब वॉब भी किए या सिर्फ यही किए? जॉब थोड़े दिन की थी, लेकिन अपने काम का और हिसाब होता है, जॉब के लिए नहीं मजा है, सुकून नहीं रहा, ये अपने काम में सुकून है। अपना काम तो फिर अपना ही होता है ना, अपने काम में तो बंदा राजा होता है, शहंशाह होता है। हाँ, ये अपना काम है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा भी करो तो अल्लाह का शुक्र है, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती। जबरदस्त। अच्छा, ये हमारे व्यूवर्स को बताएंगे ये बनती किस तरीके से? आपने बताया हम खुद बनाते हैं, तो ये मिठाई बनती किस तरीके से? ये बनती है, ये मैदा होता है, चीनी होती है और घी होता है, तो इन सब चीज़ों को पका के अलग अलग जगह पे मिक्स करना पड़ता है सब चीज़ों को। इसको क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं इसका? पतीसा बोलते हैं। पतीसा, पतीसे का आप बता रहे हैं कि मैदे से बनती है? जी, मैदा, चीनी और घी। अच्छा, और ये तो मुरब्बा सेब का, इसका तो नॉर्मली इसको उबालना शीरे में? ये उबालते हैं, फिर उबालने के बाद इसको शीरे में पकाते हैं बस, और तीसरी कोई चीज़ नहीं होती? कोई चीज़। कितना टाइम ये पकता है, क्या होता है इसका? ये तकरीबन हमारे पास ज़्यादा होता है, 2 घंटे तक ये पकता है। अच्छा, और ये पेठा,
ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे वालिद साहब जब हम छोटे थे तो लेकर आते थे, वालिद साहब मेरे वालिद साहब वीडियो बना रहे हैं हमारी, जब हम छोटे थे तो बहुत शौक से हम लोग खाया करते थे, अभी भी मैं लेकर आता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये। तो ये इसका बनाने का तरीका भी इनसे पूछते हैं, हो सकता है शायद हम घर पे बना लें। ये आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, बस ये पकने में थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है। ये इसको छीलते हैं, छीलने के बाद बीज निकालते हैं, इसके बीज निकालने के बाद इसको धोकर। किस चीज का पीस निकालते हैं? आपने जैसे बताया था कद्दू, तो कद्दू तो छोटा सा होता है वो, ये इतने बड़े बड़े पीस हैं। ये बड़ा वाला कद्दू है, पेठा कद्दू इसको बोलते हैं। अच्छा, पेठा कद्दू अलग होता है। हाँ, ये सब्जी में भी पकता है, इससे हलवा भी बनता है, मिठाई भी बनती है, और भी किस्म किस्म की चीजें बनती है इससे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, खुश रखे। ये बड़ी हिम्मत वाली बात है, बहुत हिम्मत वाली बात भी। ठंड थोड़ी कम है जिस टाइम पे ये वीडियो अभी आपको हम दिखाते हैं बात के दौरान, इन्होंने जिस टाइम पे इनकी वीडियो वो बनी थी बाइक पे चलाने वाली, तो उस टाइम पे बड़ी ठंड थी और ये लेके बड़ी तेजी से भाग रहे थे, तो बस वही वजह बनी इनकी वीडियो बनाने की। तो आपने रिहाइश कहाँ बताई थी, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ हसनाबाद, गुलशन मेमार के पास है हसनाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। अपना अगर किसी को ये पसंद आ जाए ये मिठाई, जैसे वैसे तो मिठाई की दुकान पे मिलती ही है, मगर खुद की हाथ की बनी हुई मिठाई की बात ही कुछ अलग होगी, तो अगर किसी को ये पसंद आ जाए, कोई आपसे राब्ता करना चाहे, तो आप ये नंबर देना चाहेंगे? जिसको भी चाहिए हमसे राब्ता कर ले, मेरा नंबर है 03481504834, मेरा नाम है उजैर। डिस्काउंट के साथ इंशाल्लाह देंगे, जितनी भी चाहिए हो, शादी के लिए भी, दीगर तकरीबात के लिए भी इंशाल्लाह मौजूद है, किसी भी चीज की जरूरत। अच्छा, ये है क्या, इसके क्या किलो, ये क्या किलो है, नाम मैं फिर भूल जाता हूँ, मुरब्बा क्या किलो है, पेठा क्या किलो है, पतीसा क्या किलो है? इन तीनों का एक ही रेट है, 120 रुपए पाव, 480 रुपए किलो। तो आपके व्यूवर्स के लिए 100 रुपए पाव होगा इंशाल्लाह, 400 रुपए किलो होगा। जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें, आपसे रابطہ करेंगे और दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इनसे आप लोग रابطہ करेंगे और इनका साथ भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।